प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ परब्रह्म परमात्मा के विषय में आप तो इतनी सहजता इतनी सरलता से हंसते हंसते आनंद के साथ बात कहती हैं, हमें तो सोचना भी पहाड़ के समान भारी पड़ जाता है। थोड़ा किंचित मात्र अनुभव हमको भी करा देती तो आनंद हो जाता। माँ वह जो यहां बोल रहा अपने आप आ रहा, यहां तो कोई बटुआ नहीं है जो उससे निकाल निकाल कर कुछ कहा जाए। बिल्कुल सच बात है, यहां बटुआ नहीं है, एकदम खाली है। यहां से कोई सुंदर बात कभी निकल जाते हैं तो तुम भी सुनते हैं, यह शरीर भी सुनते हैं। यहां तो ना कहना आता है ना सुनना आता है, इसलिए कहते हैं तुम जैसा बजाते हैं जैसा सुनते हैं तुम भी मैं भी। ये पक्का सच्चा बात है, अपने आप जैसे हवा आता जाता है। बाबा ये बड़ा बड़ा महात्मा लोग सारा दिन तो अच्छी अच्छी धर्म कथा सत्संग प्रवचन सुनाते हैं, अमृत वर्षण करते हैं, रात का ये थोड़ा टाइम हंसी के लिए रख दिया है, इस शरीर की ऊटपटांग बात सुनकर हंसने के लिए। क्या कह रहा था शब्द यह शरीर? मंच संचालक, बटुआ नहीं है जहां से निकलता है। माँ, हां वही। मंच संचालक, सहज स्वयं अपने आप आ जाता है? माँ, हां जिसके लिए जो बात होना है वह अपने आप आ जाता है। जैसे रसोई घर में जाने पर कोई ख्याल आने पर कह दिया आग लग जाएगी, उसको हटा ले, उसी प्रकार अभी तुम लोग जो प्रश्न करते हैं तो प्रश्न के साथ ही उत्तर निकल गया। तुम भी सुना, यह शरीर भी सुना। क्या करूं, छोटा उम्र से ऐसा ही है। जब से तुम लोग इस शरीर को पाया तब से ही ऐसा ही है। यह शरीर तो एक भिखारी है। तुम लोग भगवान का तरफ जाओ, यही भिक्षा इस शरीर को दो। यह शरीर पक्का रास्ता का भीतर है, जहां कुछ नहीं जाता, सच बात है। इसीलिए कहती है तुम लोग जो बजाओगे जैसा बजाओगे वैसा ही सुनोगे। तुम्हारा सब लोगों का अपना अपना बाजा है, तुम्हारा अपना जैसा बाजा है ये भी तुम्हारा अपना बाजा है, ये जैसा बजाओगे वैसा ही सुनोगे। यह हुआ एक बात। और तुम जो कहा सहज, तो यहां तो सहज असहज का कोई सवाल ही नहीं है, शुरू से जैसा है वैसा ही है। मंच संचालक, पूर्व में किन्हीं सत्संगी भाई ने प्रश्न रखा था कि हम इतनी दूर से माँ के पास आते हैं, हमें ना तो माँ का स्पर्श मिल पाता है, ना माला चढ़ा पाते हैं, ना पास बैठकर कोई बात हो पाती है। तो हम कई दिनों से लोगों को बोलते हैं कि भाई माँ तो केवल आंखों से दर्शन के योग्य हैं, इतनी ही हमारी योग्यता है, हमें दर्शन भर हो जाएं यही बहुत है, यही हमारे लिए काफी है, इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ, यह कहते कहते हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि इतने बड़े उत्सव में यदि माँ सबको अपनी कृपा दृष्टि से निहार लें तो सब धन्य हो जाएंगे, फिर फूलमाला चढ़ाने के लिए तरसेंगे नहीं, माँ सबको देख भर लें, माँ से इतनी ही प्रार्थना है। माँ की बोल छे? मन संचालक, प्रार्थना माँ सबको कृपा दृष्टि से देख लें। माँ मैं आदेश पालन कर रहा, सब हंसते हैं, हरी हरी, हंसने का समय हुआ। माँ मेरा प्रश्न है कि शास्त्रों में लिखा है और महात्मा भी कहते हैं कि भगवान के दर्शन मात्र से जीव की मुक्ति हो जाती है, हम आपको भगवान मानते हैं, हमें आपके दर्शन हो रहे हैं, तो क्या हमारी मुक्ति हो जाएगी? माँ बड़ी सुंदर बात है, जो दर्शन से मुक्ति वह दर्शन हो तो मुक्ति तो है ही, आत्मदर्शन से मुक्ति। प्रश्न करता, माँ आप भगवान हैं, आत्मा हैं, आपका दर्शन तो हमें हो ही रहा है, तब हम सब मुक्त हो ही जाएंगे। माँ दर्शन कहाँ हो रहा? दर्शन होने से मुक्ति। प्रश्न करता, माँ दर्शन तो हो रहा है? माँ
दर्शन कहाँ हो रहा, दर्शन होने पर प्रश्न नहीं रहता है। प्रश्नकर्ता भक्त बार बार कह रहे थे, माँ आपका दर्शन हो रहा है, परंतु प्रत्येक बार माँ कह रही थी, दर्शन कहाँ हो रहा। अंत में प्रश्नकर्ता को माँ की वाणी का गूढ़ अभिप्राय समझ में आया। तदनंतर उन्होंने पुनः प्रश्न किया। प्रश्नकर्ता, माँ आत्मदर्शन तो होता नहीं है। माँ, आत्मदर्शन न होने पर मुक्ति कैसे होगी? पर्दा जो रहा, पर्दा रहने से दर्शन नहीं होते, पर्दा हटने पर दर्शन। प्रश्नकर्ता, माँ पर्दा कैसे हटेगा? माँ, अपना पर्दा अपने आप हटाना पड़ेगा, इसीलिए गुरु का उपदेश ग्रहण। गुरु जो शक्तिपात करते हैं, उपदेश देते हैं, शास्त्रीय नीति विधि पालन करने देते हैं, संयमित जीवन देते हैं, इससे क्या होता है? वह जो पर्दा लगा लिया, आवरण लगा लिया, उसको हटाने का पक्का रास्ता खोल देते हैं। प्रश्नकर्ता, माँ गुरु को आत्मा कैसे समझें? माँ, गुरु सदा जो रहते हैं, नित्य प्रकाश, जो नया आएंगे तो वह जाएंगे, वह तो आना जाने वाला है नहीं। पर्दा हटाने के लिए गुरु करण, पर्दा हटाने पर गुरु जो है शिष्य का स्वरूप भी वही है। जैसा महावीर ने कहा था, राम जी ने पूछा, तुम हमको कैसा देखते हो? महावीर ने कहा, जहां परब्रह्म परमात्मा है वहां मैं और आप एक आत्मा है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। जहां जीव दृष्टि है वहां आप पूर्ण हैं, मैं अंश हूं, और देह दृष्टि से लें तो आप प्रभु हैं और मैं दास हूं। तो पहला नंबर हुआ एक आत्मा, आप और मैं एक आत्मा है। एक आत्मा जहां हो गया वहां वही पूर्ण और अंश, वही प्रभु और दास। कैसा सुंदर, पूर्ण और अंश। अग्नि में जो शक्ति है वही स्वलिंग में भी है। अग्नित्व तो एक ही है ना, यह हुआ पूर्ण और अंश का बात। अब प्रभु और दास, तो कौन स्थिति में दास हो सकता है? प्रभु बिना दास नहीं हो सकते हैं। जो प्रभु हैं वे ही दास हैं। समझ लिया ना मेरा बात? कल जो भक्त शिष्य का बात कहा, भक्त किसको कहते हैं, शिष्य किसको कहते हैं? आत्मसमर्पण पूर्णांगीण होए तब लक्षण प्रकट होते हैं, पहचान होते हैं। गुरु चरणों में अर्पित कर देना, ये बात है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।